मेजा थाना कोडार चौक के इंचार्ज ने विवाहिता महिला सुनैना सोनी के अपराधियों का शांति भंग में किया चलान। महिला उत्पीड़न हत्या करने की साजिश, दहेज के लिए आए दिन मिलती थी धमकी, इनकी क्या धाराएं बननी चाहिए, कोडार चौक इंचार्ज। विवाहिता महिलाओं की मानसिक उत्पीड़न व हत्या करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कोडार चौक इंचार्ज ने अपराधियों को किया शांति भंग में चलान। विवाहिता महिला सुनैना ने न्याय पाने के लिए अपराधियों के खिलाफ पहुंचे पुलिस आयुक्त प्रयागराज। अपराधियों के लिए मांगी जेल की सजा और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की गुजारिश। 5 दिन बीतने के बावजूद भी हत्या करने का प्रयास करने वाले अपराधी पर नहीं दर्ज हुआ कोई भी बड़ी धारा। दहेज के लिए हत्या का प्रयास करने वाले अपराधियों को बचाने के लिए कोडार चौकी इंचार्ज क्यों है अपराधियों पर मेहरबान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के मेजा थाना क्षेत्र के कोडार चौकी इंचार्ज ने विवाहिता महिला सुनैना की बेरहमी से पिटाई और जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला और साजिश रचने वालों के बचाने के लिए कोडार चौकी इंचार्ज ने अपराधियों को 107/116 करके छोड़ दिया गया। आखिरकार महिलाओं को मारना पीटना, मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की कोशिश करने वाले अपराधियों को मात्र छोटी सी सजा मिलने पर क्या अपराधियों में डर पैदा होगा। जबकि 2:21 के ऑडियो में महिला सुनैना ने अपने मायके फोन पर जान बचाने की गुजारिश व ससुराल वालों की पिटाई व जान से मारने की बात कहते हुए फूट फूट कर रोई और न्याय की गुहार लगाई। आखिरकार चौकी इंचार्ज ने अपनी कानूनी कार्रवाई में ऐसी धाराएं बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपराधियों को शांति भंग में चालान करके पड़ता महिला सुनैना सोनी को और भी तकलीफ पैदा कर दी। महिला को जिस तरह से पिटाई हुई है, क्या वह शांति भंग लायक ही अपराध है? ऐसे में अन्य अपराधियों के हौसले और बुलंद होते रहेंगे और इसी तरह बेटियों को दहेज लोभी अपराध करते रहेंगे और चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से शांति भंग में चालान करवाकर पीड़िता महिलाओं को धमकी भी देते रहेंगे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम पैसों के दम पर गंभीर धाराएं हमारे ऊपर लगने वाले नहीं है, हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। बता दें अब पीड़िता दर दर न्याय के लिए भटक रही है। वहीं आपको बता दें जब पुलिस अपराधियों का साथ देगी तो महिला उत्पीड़न व आत्महत्या जैसी अब घटनाएं आम बात होती रहेंगी। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव।